Okay, good evening all. Today basically we'll try to cover three different topics. Okay, पहला तो क्लोज टेस्ट होगा, बाद में पैरा एग्जांपल्स एंड द थर्ड पार्ट विल बी ऑफ एरर स्पॉटिंग. आज के लेक्चर में ये तीन टॉपिक्स हम लोग कवर करने को देखेंगे. अच्छा ये मुझे बोलो पहले, इसमें से तीनों टॉपिक्स फेमिलियर रहेगा सब लोगों को? क्लोज टेस्ट क्या होता है, पैरा एग्जांपल्स क्या होता है, एरर स्पॉटिंग तो बहुत जन ने किया रहेगा मुझे मेरे साथ, लेकिन पहले दो टॉपिक्स पता है आप लोगों को? सब ग्रुप्स पे आ गए ना, सब ग्रुप्स में मैं क्वेश्चन डालूंगा वन बाय वन. ओके, लेकिन ये तीनों टॉपिक्स फेमिलियर है क्या? क्लोज टेस्ट पता है सब लोगों को क्या होता है? क्लोज टेस्ट एनी आइडिया? नहीं पता है क्लोज टेस्ट क्या होता है? नहीं सर. ओके, क्लोज टेस्ट बेसिकली फिल इन द ब्लैंक जैसा होता है. एक पैराग्राफ रहेगा, वन पैराग्राफ विल बी गिवन और वो पैराग्राफ में अलग अलग ब्लैंक्स देंगे, आई मीन मोर देन फाइव और सिक्स ब्लैंक, और हर एक ब्लैंक के लिए ना, हर एक फिल इन द ब्लैंक फिलअप के लिए चार या पांच ऑप्शन रहेंगे. तो आपको वो सुटेबल ऑप्शन डालना है उसमें से ढूंढ के. जैसे हम लोग ने स्कूल लेवल पे फिल इन द ब्लैंक्स किए थे ना, बेसिकली वैसा ही होता है, लेकिन स्कूल लेवल में खाली एक ही सेंटेंस होता है. इसमें एक पूरा पैराग्राफ दिया गया रहेगा आपको, और वो पैराग्राफ के लिए हर ब्लैंक के लिए चार या पांच ऑप्शंस देंगे. तो यू हैव टू सिलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली. खाली उसे क्लोज टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत क्लोज होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज टेस्ट. ओके, तो क्लोज टेस्ट क्या है सब लोगों को पता चल गया. पैरा एग्जांपल्स के बारे में सुना है? व्हाट आर पैरा एग्जांपल्स? ये भी नहीं सुना है? पैरा एग्जांपल्स नन ऑफ यू? पैरा एग्जांपल्स नहीं पता क्या होता है? ओके, पैरा एग्जांपल्स में क्या होगा, चार या पांच सेंटेंस दिए गए रहेंगे, जैसे कि ए सी बी डी ई, ये रैंडमली दिए रहेंगे, सीक्वेंस में नहीं रहेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं रहेगा. ये आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स, या अकॉर्डिंग टू सम ग्रामर का हिंट्स कुछ रहेंगे सेंटेंस में, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, समझ में आया क्या है पैरा एग्जांपल? चार पांच सेंटेंस मिक्सअप करके दिए रहेंगे आपको, तो आपको वो अरेंज करना है एक एक सीक्वेंस में, सो दैट वो जो पैराग्राफ फॉर्म होगा उसको एक अच्छा सा मीनिंग आ जाए. तो समझ में आया पैरा एग्जांपल्स क्या है सब लोगों को? ओके, तो और एरर स्पॉटिंग तो किया है ना, आई थिंक बहुत जन ने मेरे साथ एरर स्पॉटिंग किया है ऑलरेडी, करेक्ट? ये एरर स्पॉटिंग भी क्या होता है बता दूं. एरर स्पॉटिंग पता है सब लोगों को क्या होता है? बोलो वन ऑफ यू. यस सर. क्या होता है बोलो? सर उसमें एबीसीडी करके सेंटेंस दिया था सेक्शनल वाइज, उसमें से हमको ग्रामेटिकल एरर या कोई भी एरर फाइंड करना होता है. हां, एक सेंटेंस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, तो वो चार पार्ट्स में से एक कोई ग्रामर पार्ट में एरर रहेगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा वाला पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ठीक है, तो एक्चुअली ये सुबह मैंने ग्रुप्स पे ऑलरेडी डाले हैं, सब ग्रुप से बोरीवली के दादर पे, तो जस्ट वो वाला पैसेज निकालो, सुबह आपके ग्रुप पे आया रहेगा ये सियोल सिटी वाला, जस्ट चेक करो. सियोल सिटी गवर्नमेंट आस्किंग पीपल फॉर हेल्प, वो सबके पास है पैसेज, जस्ट चेक करो और कंफर्म करके बताओ मुझे वो है या नहीं है. सब ग्रुप में है क्या वो? यस सर. बोरीवली में है, बोरीवली वालों के पास भी रहेगा शायद से. ओके, तो वो हमारा क्लोज टेस्ट है, अभी जो आपको सामने दिख रहा है उसको कुछ, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्लोज टेस्ट. उसमें जो ब्लैंक है, देना कितने ब्लैंक है उसमें, पांच ब्लैंक है, तो हर एक ब्लैंक के लिए देर विल बी फाइव फाइव ऑप्शन, फोर और फाइव ऑप्शन, तो आपको राइटफुल ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ठीक है, मैं ऑप्शन अभी बोर्ड पे लिख दूंगा आपके लिए. Thank you.
आपके पैसेज में आप देख सकते हो सामने दे रहा फाइव फाइव ब्लैंक्स, तो हर एक ब्लैंक के लिए जैसे फर्स्ट ब्लैंक के लिए पांच चार ऑप्शन है, सेकंड ब्लैंक के लिए चार ऑप्शन है, थर्ड के लिए चार एंड सो ऑन, तो हर एक चार ऑप्शन में से हर एक ब्लैंक के लिए आपको सुटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है? सर मैंने लेट जॉइन किया है सर, आप बताएंगे क्या मतलब क्या कर रहा है? क्लोज टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मैं टॉपिक लिख देता हूं इधर, क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक जैसा होता है जिसमें एक पैसेज दिया होता है और आपको वो ब्लैंक में सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करके डालना होता है, तो हर एक ब्लैंक के लिए चार चार ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट वाले ब्लैंक सेकंड वाले, तो वो उसमें से आपको एक सुटेबल वर्ड चूज करके वो पर्टिकुलर ब्लैंक में डालना है, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक जैसा बेसिकली करना है, ओके? ओके सर। पैसेज आपके ग्रुप पे है तो जस्ट ओपन करो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस नाउ। सब भेजा हुआ है क्या पैसेज? आप इधर से कौन से सेंटर से बात कर रहे हो? दादर से हो? दादर। से हाँ, दादर के ग्रुप पे डाला हुआ है, सियोल सिटी गवर्नमेंट वाला, सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प, वो वाला, ठीक है? ठीक है सर। ओके मैं रुकता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तब तक ट्राई करो, देन विल डिस्कस। अगर आपका हो गया तो प्लीज लेट मी नो।
ये बेसिकली थोड़ा इजी लेवल का है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हो गया किसी का पूरा पांच? यस सर। ओके, अंशिका इज फिनिश्ड। और किसी का हो गया बॉयज में से कोई? ओके चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। आई थिंक इनफ टाइम हैज बीन गिवन। अच्छा फर्स्ट वाला सियोल, सियोल पता है ना, कैपिटल ऑफ कोरिया, इट्स सिटी, सिटी का नाम है वो। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइसेस ऑन ऑफर फॉर डैश टू स्पॉट द मोस्ट एरर। क्या आ सकता है इधर? दिस, दोस, दैट, दीज, क्या लिखे आप लोगों ने बताओ? दोस। ओके ओके चलो मोस्ट ऑफ यू राइटिंग इट दोस। पहले लेट्स हम लोग को डिफरेंस पता करते हैं। एक दीज होता है, चारों प्रोनाउंस है, दीज है और एक दीज है। क्या डिफरेंस है दोनों में, दीज एंड दीज? दिस यानी ये और दीज यानी ये, पर्टिकुलर दीज यानी ये, दिस यानी ये, दीज यानी ये, लेकिन तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों में? यानी कभी यूज होता है स्पेशल ग्रामेटिकली, आप बोलोगे ग्रामेटिकली अगर आपको डिफरेंस पूछेंगे तो क्या बोलोगे? ये दिस कभी यूज होता है, ये दिस कभी यूज होता है? अच्छा अगर बोलो चलो मुझे, मेरे हाथ में कुछ है अभी, पेन है, तो अगर मुझे बोलना है दिस इज माय पेन, तो कौन सा वाला दिस यूज करूंगा मैं, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, ओके। एंड अगर मुझे अभी बताना है ये, these are my pens, तो कौन सा वाला? second one। हाँ तो basically फिर क्या difference हो गया बोलो? These जो है singular के लिए use होता है, these जो है plural sense में use होता है। Yes, ये हमेशा singular के लिए होते हैं, ये वाला these है, this is singular, ये singular में use होता है और इसका plural में। Okay, और दूसरे कौन से दो adjective pronouns है इसमें? that और those। What is the difference? अभी ये दोनों words में क्या difference है? That और those में? So same, singular or plural? Which one is singular and which one is plural? First one singular and second one is plural. Yes. ये वाला plural है, singular है, sorry. और ये वाला प्लूरल है। जैसे दैट इज माय पेन, कोई अगर एक पेन उधर सामने गिरा हुआ रहेगा तो हम लोग बोलते दैट इज माय पेन, और बहुत सारे पेन रहेंगे तो हम लोग बोलते दोस आर माय पेन, नॉट दोस इज माय पेन, दोस आर माय पेन। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है, ये सिंगुलर और ये प्लूरल के लिए, ठीक है? तो अभी चारों में डिफरेंस तो पता चल गया, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। तो फिर अभी ये भी सिंगुलर के लिए है, ये भी सिंगुलर के लिए, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस हो गया अभी, दिस और दैट में? ये जो दिस है ये भी सिंगुलर में होता है, ये दैट वो भी सिंगुलर में होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी? दिस नजदीक है सर। यस वेरी गुड। ये जो ये दोनों वर्ड्स है ना, ये दोनों वर्ड्स है, दिस इज फॉर नियर अवे, ये नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, और ये दोनों वर्ड्स है वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट ये सब लोगों को? यस डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस क्लियर है? यस सर। हां सर, जस्ट ये लिख लो पहले, देन विल प्रोसीड, ये डिफरेंस लिख लो।
सर वो नियर और फार का क्या बोला वो फिर से बताए नहीं. ये नजदीक वाले जैसे दिस इज माय पेन, ये दिस मेरे हाथ में है ना, करेक्ट ना, ये मेरे हाथ में मेरे बहुत नजदीक है तो मैं बोलूंगा दिस इज माय पेन. और ये पेन अगर सामने की तरफ गिरा हुआ रहेगा तो क्या बोलूंगा मैं, दैट इज माय पेन. ये क्या होता है, दैट इज माय पेन. यानी जब कोई चीज दूर है ना तो हम लोग दैट यूज करते हैं, और दिस कभी यूज करते हैं जब कोई मेरे हाथ में है. जैसे ये अभी वापस मैं रिपीट कर दूं, ये मेरे पास हाथ में है तो क्या यूज करूंगा मैं, दिस सिंगुलर है लेकिन मैं बोलूंगा दिस इज माय पेन. और अगर ये पेन सामने दूर पड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माय पेन. तो ये नजदीक वाली चीजों के लिए दोनों वर्ड्स यूज होते हैं दिस एंड दिस, और ये दोनों दूर वाली चीजों के लिए होता है. समझ में आया कॉन्सेप्ट अभी? यस सर. ओके, तो नाउ कमिंग टू द सेंटेंस, उधर एक वर्ड है इज आस्किंग पीपल. सीओज गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल. तो पीपल एक होते हैं या बहुत सारे होते हैं? पीपल सिंगुलर या प्लूरल? अभी मैं कुछ बोलता हूँ द पीपल ऑफ डोंबिवली या पीपल ऑफ दादर, तो मैं एक की बात कर रहा हूँ या बहुत के बाद बहुत जनों की बात कर रहा हूँ? प्लूरल. प्लूरल, यस. तो दैट्स वाई कौन सा वाला वर्ड आएगा, दोज इधर आएगा. समझ में आया ना? Because since उधर people use किया है तो street signs with prizes on offer for those who spot the marker, posters. यानी कुछ prizes दिए हैं, किसके लिए prizes दिया है, जो वो street signs, जो लोग street signs बराबर से पहचानेंगे उनके लिए कुछ prize दिया है. तो that's why those, क्योंकि उधर people बोला गया है people of the Seoul city, वो Seoul city के जो लोग हैं उनके लिए use करना है, तो उनके लिए of course मैं plural वाला noun use करूँगा those. समझ में आया ये वाला first one? Yes sir. Okay. Now coming to the second one, a dash 2 week campaign, 1 2 week campaign, the 2 week campaign and 2 week campaign, yeah, a 2 week campaign. A 2 week campaign. Okay. और कुछ आंसर है पॉसिबली? सब लोग अ ही बोल रहे हैं, और कुछ हो सकता है? ओके, पहले वन ये वाला हो सकता है क्या? एक एक ऑप्शन देखते हैं. चलो वन हो सकता है, वन टू वीक कैंपेन डेफिनेटली वो फेट नहीं हो रहा ना, वन और टू वीक कैंपेन नहीं होगा तो ये तो नहीं होगा. एंड हो सकता है? नो. एंड टू वीक कैंपेन क्यों नहीं होगा बोलो? वाय नो? सिंपल रीजन है, बेसिक सा रीजन. एंड क्यों नहीं होगा बोलो? एक सिंपल सा रीजन है, बहुत बेसिक रीजन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लेवल से. हाँ, वॉवल एंड कभी यूज होते हैं, ऑन एंड हमेशा वॉवल के पहले यूज होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, करेक्ट ना? तो ये एन जो होता है खाली वॉवल्स के पहले, जब आपका नेक्स्ट लेटर वॉवल से स्टार्ट होता है तभी यूज होता है. विच आर द वॉवल्स बोलो, वॉवल्स कौन से है? A-E-I-O-U. तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ना A-E-I-O-U का, तो ही हम लोग एंड यूज कर सकते हैं. और इधर तो ब्रैकेट, सॉरी वो ब्लैंक के बाद टू है, तो टू डेफिनेटली वॉवल नहीं है, तो ये एंड भी नहीं जाएगा. ओके, नाउ अ और द में इम्पोर्टेंट समझ लो, बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोनों का डिफरेंस समझ में, समझ के लेना. अच्छा, आर्टिकल्स इंग्लिश में हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? इंग्लिश में आर्टिकल्स कितने हैं? द, अ, एंड. हाँ, और एंड थ्री है इंग्लिश में, बेसिकली थ्री आर्टिकल्स, ए और एंड और एक द. ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, क्यों बता सकते हैं आप लोग? ये अ और एंड एक टीम में है और द एक अलग टीम में, ऐसा क्यों? वाई सो? एनी आइडिया? अ और एन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. ये दोनों को बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और द है वो, उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल. ओके, पहले इतना ध्यान में रखो. आई जस्ट मैं एक एग्जांपल लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा.
इसमें बोलो दोनों सेंटेंसेस में अ किधर, आई एम ए डैश बॉय, और सेकंड में आई एम ए डैश बॉय फ्रॉम माय कॉलेज, अ किधर आएगा और द किधर आएगा? ऊपर आएगा तो, अच्छा फर्स्ट में अ आएगा और सेकंड में, ऐसा क्यों, रीजन कुछ? सेकंड वाले में पूरा मतलब डिफाइन कर रहा है क्या वजह से? Yes. Second वाले में मुझे अगर मैं खाली बोलता हूँ आपको आके, अगर मैं आपको एक आके सेंटेंस बोलूँ आई मेट अ बॉय, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, सर कौन से बॉय के बारे में बोल रहे हैं, वो उसके बाजू में रहता है, वो उनके कॉलेज फ्रेंड है वो, या उनका ऑफिस में काम करता है वो, तो इसमें वो बॉय के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इसलिए ये मुझे पता नहीं है। और इधर अगर अगर मैं ये वाला सेंटेंस बोलता हूँ आपको आई मेट द बॉय फ्रॉम माई कॉलेज, तो उसका मतलब क्या है, कॉलेज का जो बॉय है वो, अगर ये सेंटेंस बोलो तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मैं वो एक ही डेफिनेट पर्सन का बात कर रहा हूँ जो मेरे कॉलेज में था, तो इसलिए इसको हम लोग, एंड इन शॉर्ट इधर मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा बॉय का। और ये सेंटेंस में जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है बॉय, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है फ्रॉम माई कॉलेज, तो उसका मतलब मुझे डेफिनेटली पता चल रहा है कि कौन सा बॉय की बात कर रहा हूँ मैं, That's why इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं द, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया यानी रैंडमली कुछ भी बोला गया तो हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। समझ में आया और द में डिफरेंस हम लोग को क्लियर है ना? यस ओके। तो मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे आंसर बोलो। चलो पहला सेंटेंस ही सेड गेट डैश पेन, सेकंड वाला है ही सेड गेट डैश पेन ऑन द लाइंग ऑन द चेयर, सॉरी गेट डैश पेन लाइंग ऑन द चेयर। अभी किधर अ आएगा किधर द आएगा? बोलो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, सेकंड द फर्स्ट, हां सेकंड में द आएगा और फर्स्ट में, रीजन वही है क्योंकि इधर पेन कौन सा है वो पता ही, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कौन सा पहने मुझे पता चल रहा है, इधर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए इधर मैं इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा ऑब्जेक्ट है, और इधर मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया इसलिए मैं इधर डेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर है ना? और दो में सब लोगों को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कुछ डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो अभी नाउ कमिंग टू द सेंटेंस, उधर दिया है डैश टू वीक कैंपेन calling on Koreans and foreigners, a aayega ya the aayega bolo abhi udhar kuch aur batao, the others others socho, pehle to aap log ne answer fatafat bata diya the a aayega abhi abhi itna soch kyu hai, the aayega sir, the aayega okay, अभी भी थोड़ा सा, अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने एग्जांपल्स लिख लिया क्या दोनों भी? नो सर। हाँ ये लिख लो ना पहले प्लीज, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हो गया लिख के? यस सर। ओके, अच्छा अगर वो सेंटेंस आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा गया है देखो, इट्स रनिंग अ डैश टू वीक कैंपेन,
I'll just write it over here. कौन सा कैंपेन रन हो रहा है इधर? कौन सा कैंपेन की बात हो रही है? इट्स एन इंटेंस 2 वीक कैंपेन। हाँ नहीं, लेकिन ये जो कैंपेन है ना, ये वाला कैंपेन, कोई कैंपेन के बारे में इंफॉर्मेशन, कोई कैंपेन के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है पैसेज में? जैसे कैंपेन फॉर किड्स या कैंपेन फॉर वुमेन या कैंपेन फॉर पुअर चिल्ड्रन, ऐसा कुछ दिया गया है? कौन सा कैंपेन? नो सर, नहीं दिया गया है ना, क्योंकि कैंपेन खाली लिखा है 2 वीक का कैंपेन चल रहा है, लेकिन कौन सा कैंपेन है? वो ब्लड डोनेशन का कैंपेन है या फिर पुअर स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए या अनएजुकेटेड को हेल्प करने के लिए कैंपेन है? कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो फिर कौन सा आएगा, अ या द आएगा, बोलो? इट्स एनोनिम। अ आएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना उसके बारे में वापस इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर ऐसा, अगर इसके जगह ऐसा सेंटेंस इट्स रनिंग अ 2 वीक कैंपेन टू और फॉर द पुअर, तो तभी इधर डेफिनेटली क्या आता था? फॉर द पुअर अगर होता था आगे तो द आता था, क्योंकि वो कैंपेन किसके लिए वो आगे मेंशन किया है, क्योंकि वो जो कैंपेन है वो गरीब लोगों के लिए, लेकिन इधर खाली एंड किया 2 वीक कैंपेन है, 2 हफ्ते का कैंपेन चलने वाला है, लेकिन वो कैंपेन किस बात के लिए वो बिल्कुल मेंशन नहीं किया, दैट्स व्हाई क्या आएगा, ओ आएगा। समझ में आई ये? यस, एनी डाउट? यस सर। ओके ठीक है, तो ये पहला वाला मैं जस्ट, दोस करेक्ट है, सेकंड वाला अ करेक्ट है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, 2 वीक्स कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश टू कीप योर आईज पील्ड आउट, कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश। अभी एक सेंटेंस बता दो आप आंसर बताने के पहले, अवर पीएम प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड वाले में क्या बोला आपने? सेकंड वाले में अ आएगा, करेक्ट ना, क्योंकि वो कैंपेन कौन सा है वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया ना, किस बारे में कैंपेन है वो बिल्कुल बताया नहीं गया, दैट्स व्हाई अ आएगा। ओके अच्छा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ थर्ड वालों के लिए, आर पीएम ट्रीट्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स डैश, अवर पी एम ट्रीट्स हिंदूज एंड मुस्लिम डैश सेम सिमिलरली अलाइक लाइकली, क्या आ सकता है बोलो? अवर प्राइम मिनिस्टर ट्रीट्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स डैश हमारे प्राइम मिनिस्टर सब लोग को कैसे ट्रीट करते हैं, सब लोग को एक जैसे ट्रीट करते हैं, तो जो वो वाला पार्ट बताना है तो क्या आएगा? Alike, yes. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये बहुत कॉमन टर्म है, अलाइक यानी सिमिलरली, अलाइक यानी सिमिलरली, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हिंदूज और मुस्लिम्स को सेम ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को डिफरेंशिएट नहीं करते, तो दैट्स व्हाई अलाइक, नॉर्मली अलाइक आता है इसके लिए, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, 2 वीक्स कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक, यानी जो कैंपेन है ना वो कोरियंस को भी और फॉरेनर्स को भी, यानी कोरियंस को छोड़ के जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी सिमिलरली दे आर कॉलिंग एंड दे आर कॉलिंग आउट फॉर देम, तो दैट्स व्हाई दैट्स विल बी अदर वर्ड आएगा, दोनों को सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है या दोनों को सेम तरीके से बुलाया जा रहा है ये कैंपेन में हेल्प करने के लिए। ओके, तो नॉर्मली अलाइक ही आएगा इधर, ये वाला समझ में आया सब लोगों को? यस यस सर, तो सिमिलरली तो ऑप्शन में दिया है ना। हाँ, लेकिन सिमिलरली वो सेंस में नहीं बैठ रहा है ना, एक मिनट, 2 वीक्स कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स सिमिलरली टू कीप देयर आईज पील्ड ऑफ नहीं होता है। नॉर्मली जब हम लोग किसी को ट्रीटमेंट सेम देते ना, तो हम ये फ्रेज है टू ट्रीट अलाइक, टू ट्रीट अलाइक मतलब दोनों को सिमिलर ट्रीटमेंट देना, तो नॉर्मली सिमिलर वर्ड नहीं होते जब आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं या यू आर ट्रीटिंग सम डिफरेंट कास्ट पीपल, तो जैसे बोलते हैं ना हिज फादर ट्रीट्स बोथ द सन्स अलाइक, यानी जो पिताजी है वो दोनों लड़कों को एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो जब व्यवहार करने की बात होती है तो हम लोग अलाइक यूज करते, सिमिलरली यूज नहीं करते। ओके ठीक है, ठीक है, ओके अच्छा, नेक्स्ट में एक फ्रेज है टू कीप देयर आईज पील्ड, कीप, क्या ये लिखा है, कीप देयर
ओके मैं कहा था पील्ड। अच्छा आइस पील्ड का मतलब क्या होता है बोला, सुना है कभी? आइस पील्ड होना, पील्ड यानी छिलका निकालते हैं हम लोग, ऑनियन का छिलका निकालते, तो आइस पील्ड एक्चुअली ये फ्रेज है टू कीप देयर आइस पील्ड, मतलब टू बी अलर्ट, टू स्टे अलर्ट, कोई भी बात पे बोलते हैं ना आइस पील करके ना आग पे टेल डाल के हम लोग बोलते हैं ना, वैसा सेंस आता है उसका। तो अगर ये वाला वो सेंस है तो उधर क्या आएगा नेक्स्ट वाले में, क्या आ सकता है बोलो, क्या डाला है आप लोगों ने? टू कीप देयर आइस पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज, टू बी अलर्ट फॉर वॉट, गुफोस, ब्लंडर, ओवरसाइट या मिस्टेक्स? अच्छा गुफोस का मतलब बाय द वे, हाँ या हाँ करेक्ट, लेकिन मैं इसका मीनिंग गुफोस मतलब टू लाफ लाउडली, ठीक है बराबर है। देखो अभी कुछ एग्जामिनेशन वगैरह चालू है तो मुझे कुछ पता है वो क्लासरूम में कोई बच्चे कॉपी करते हैं तो मैं क्या कहूंगा, आई कीप माय आईज पील्ड ऑफ, यानी मैं आई विल बी वेरी अलर्ट टू कैच देयर मिस्टेक्स, अगर कुछ गलती हो रही है तो टू कीप द आईज पील्ड ऑफ, यानी टू बी अलर्ट, टू बी अलर्ट टू कैच द मिस्टेक्स, समझ में आया ये? तो इधर भी आएगा मिस्टेक्स। ओके सो फार सो गुड। अच्छा लास्ट वन थोड़ा इजी होना चाहिए, देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइंस, मैप्स एंड इंफॉर्मेशन, क्या हो सकता है बोलो? अच्छा मैं एक एग्जांपल, हाँ ओके मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ टॉपिक सपोज कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो आपको फैकल्टी क्या बोलते हैं, डैश फोकस ऑन दिस टॉपिक, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली फोकस ऑन दिस टॉपिक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फोकस, सिग्निफाई या मेटिकुलस फोकस ऑन दिस, पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं नॉर्मली अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा तो फैकल्टी भी बात करते हुए ट्राई टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन दिस टॉपिक, बराबर बोलते हैं ना, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस दो तो फोकस के साथ नॉर्मली पर्टिकुलर ही जाता है, it should be particularly focus on this, with a particular focus on this, okay? Yes? Yes, sir. अच्छा इसमें meticulous एक word है, उसका meaning anyone can guess meticulous का मतलब क्या होता है? Meticulous का मतलब in detail, किसी का हम लोग बहुत detail में study करते हैं ना, meticulous ये जैसे ये पर्टिकुलर फोकस के साथ जाता है, मेटिकुलस नॉर्मली प्लानिंग के साथ जाता है, ये हम लोग नॉर्मली प्लानिंग के साथ यूज करते हैं मेटिकुलस प्लानिंग, ओके मेटिकुलस प्लानिंग यानी इन डिटेल प्लानिंग, तो पर्टिकुलर फोकस के साथ जाता है और मेटिकुलस प्लानिंग के साथ जाता है, याद रखो ओके, ये इधर नहीं तो कभी ना कभी काम आ सकता है, कोई मेटिकुलस दिया रहेगा तो याद रखो दैट ऑलवेज गोज विद प्लानिंग। तो ये पांचों समझ में आए सब लोग को, फिलस सॉरी नॉट फिलस क्लोज टेस्ट, कुछ डाउट नहीं है ना इसमें, है क्या कुछ डाउट? थोड़ा ग्रामर का भी एप्लीकेशन मिल जाएगा उसमें, ओके सर ये लेक्चर सुबह हुआ था, अब ये रिपीट लेक्चर है क्या? हाँ सुबह हुआ था ये, मॉर्निंग का टॉपिक अलग था, दोपहर का अलग रहता है, तो ये दोपहर का टॉपिक शाम को रिपीट होता है। मॉर्निंग वाला प्रीवियस पेपर का था ना? मॉर्निंग वाला हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का था, यस। वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है सर? हाँ वो रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड है वो, ये सेकंड वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कुछ टेक्निकल रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया क्या, मैंने चेक नहीं किया, नहीं किया क्या अपलोड? देखा नहीं। अच्छा मैं चेक करता हूँ, आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं, दोपहर का लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था इसलिए ये वापस, और वैसे भी ना मॉर्निंग में अगर आपको दो अलग टॉपिक्स चाहिए ना तो मॉर्निंग में एक होगा फर्स्ट सेशन में 7 to 9 में एक अलग होगा, और वो जो सेकंड वाला है 10 to 12 में अलग होगा, ठीक है, और जो रात में रहेगा उसमें से दोनों में से एक कोई टॉपिक रिपीट होगा, ओके तो इफ यू वांट टू टॉपिक्स तो आइदर यू कैन सिट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग और आफ्टरनून एंड इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग एंड इवनिंग और मॉर्निंग और आफ्टरनून, ठीक है, फर्स्ट 7 to 9 में एक टॉपिक होता है, 10 to 12 में सेकेंड टॉपिक होता है, और जो 7 to 9 है उसमें नॉर्मली ये सेकेंड टॉपिक रिपीट होता है, ओके क्योंकि जो मॉर्निंग क्या है उनको सेकेंड, सम पीपल आर गोइंग काम पे जाते हैं ना तो उनको मॉर्निंग वाला और इवनिंग वाला शेड्यूल मैच होना चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको दो अलग टॉपिक चाहिए तो यू कैन बेटर सेट फॉर दिस लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड या फर्स्ट और लास्ट, ओके क्लियर है? यस सर। ओके
सर पर अगर सुबह का मॉर्निंग का लेक्चर 7 to 9 का अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो क्लास में कॉल करके मंगाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे फोकस डाल दो ना, फोकस क्लासेस, तो उसका आ जाता है। ओके ओके सर, इट्स अवेलेबल फॉर ऑल। ओके नेक्स्ट था, मैंने बोला था हम लोग कुछ पैरा एग्जांपल्स करते हैं, कुछ पैराजम्पल्स आपके ग्रुप पे ऑलरेडी आए रहेंगे। तो एक वाला है विच बिगिंस विद द कैफे ओनर, ये उसका स्टार्टिंग है, देयर आर 5 or 6, आई डोंट नो कितने डाले हैं। ये वाला पैराजम्पल है, पैराजम्पल में क्या करते हैं हम लोग, इसमें देयर आर 4 सेंटेंस है, 4 अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है। तो 4 अलग अलग सेंटेंस वो सिक्वेंस में अरेंज किए हुए नहीं है, वो रैंडमली मिक्सअप करके दिए, तो आपको प्रॉपर सिक्वेंस में अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। सब लोग को ऑल ऑफ यू कैन रीड दैट ना, कैफे ओनर्स वाला सब लोग को मिल गया वो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। एक बार पढ़ लो, मैं ऑप्शंस लिखता हूँ तब तक उसके। ये 4 ऑप्शंस है, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वाला सीक्वेंस बराबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हेलो सर। हाँ बोलो सर। मॉर्निंग के लेक्चर का आप वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? अच्छा नहीं हुआ है, मैं लेक्चर के बाद बोलता हूँ हर्षिता को। ओके शाम तक हो जाएगा। ओके So the second one. Okay. First one. Baki rest of you give a try. एक ही आंसर है मुझे सेकेंड वन, और बाकी लोग ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा इजी है। अच्छा मैं हिंट बता दो, चलो प्रोनाउन लोकेट करो, प्रोनाउन लोकेट करो और कनेक्ट करो, कोई प्रोनाउन से क्या देखो। अच्छा एक काम करते हैं, चलो मैं पहला वाला आपको बता देता हूँ, सेकंड वाला से आप खुद ट्राई करो, ठीक है। नॉर्मल इसमें देखो पहले क्या करते हैं मालूम है, जरा मैनी वेज, एक तो पहला होता है, सबसे पहला मैं उसमें प्रोनाउन ढूंढूंगा कोई है क्या। प्रोनाउन क्या होता है पता है ना, जो नाउन के जगह पे यूज होते हैं, जैसे ही, शी, दे, देम, ठीक है। तो पहला सबसे स्टेप होता है प्रोनाउन लोकेट करना, और वो प्रोनाउन के अगर मुझे एक बार प्रोनाउन मिल गया तो मैं पेयर्स फॉर्म करूंगा, जैसे मैंने कुछ सेंटेंस दिखाया, सीता इज अ स्मार्ट गर्ल, सीता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ गलत लग रहा है इसमें, एनीथिंग रॉन्ग इन बोथ द सेंटेंसेस? कुछ गलत है इसमें? यस सर, रिपीटेशन है। क्या गलत है? रिपीटेशन, हाँ रिपीटेशन है, गुड।
हाँ ये नाउन का रेपिटेशन है तो नाउन मुझे वापस बोलना नहीं है, तो क्या करूँ मैं इधर सीता को निकाल के क्या करूँगा मैं उधर? सी यूज कर सकते हैं। हाँ मैं शी यूज करूंगा, ठीक है, तो मैंने नाउन की जगह शी यूज किया। तो पहला ये जो शी है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोनाउन। और ये जो सीता यूज किया ना, सीता किसके लिए आया, शी किसके लिए खड़ा है सीता, तो इसको हम लोग दिस इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, ठीक है। तो शी इज कॉल्ड, शी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, और शी ये सीता, शी किसके लिए यूज किया है सीता के लिए, तो सीता को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये याद रखो, ये मैंने क्यों बताया, कंस्ट्रक्शन याद रखो, कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले नाउन आएगा बाद में प्रोनाउन आता है ना, हमेशा पहले आपका नाउन आएगा, नाउन वाला सेंटेंस आएगा बाद में प्रोनाउन, कभी ऐसा नहीं होता ना शी इज अ स्मार्ट गर्ल सीता गेट्स अप, ऐसा सुना है कि आप लोगों ने शी इज अ स्मार्ट गर्ल सीता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं होता ना ऐसा। नॉर्मली जब कोई सेंटेंस आप बोलते हो तो हमेशा पहले नाउन का यूज होता है और उसके बाद वो प्रोनाउन होता है जो इसके लिए यूज किया है। इसलिए मैंने बोला पहला हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोनाउन लोकेट करते हैं। तो एक बार प्रोनाउन मुझे कोई मिल गया तो बाद में मेरा सेकंड काम क्या होता है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया है वो मैं ढूंढूंगा। समझ में आया? तो वैसे अभी बताओ मुझे कोई प्रोनाउन यूज किया गया है ये चार पांच चारों सेंटेंस में? रीड केयरफुली और बताओ मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ प्रोनाउन यूज किया है? सेकंड में देम, नन ऑफ देम। हाँ सेकंड में देम, अच्छा ये निकाल देता हूँ पहले मैं, एक मिनट। सेकंड के पहले मैं फर्स्ट वाले पे देखूंगा, फर्स्ट वाले को ही यूज किया है, ही है सर। लेकिन ये किसके लिए यूज किया, ही किसके लिए यूज किया है, ही किसके लिए यूज किया है? The cafe owner says he's, हाँ ये cafe owner के लिए यूज किया, तो इसका ढूंढने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल उसके बाजू में, ठीक है। तो ये मेरे काम का नहीं है, मैं ऐसे प्रोनाउन ढूंढूंगा जो जब एक प्रोनाउन एक सेंटेंस में रहेगा और उसके लिए जो नाउन है ना वो अलग सेंटेंस में होगा, ठीक है। तो ये ही है लेकिन वो कैफे ओनर के लिए बिल्कुल उसके बाजू में, वो नहीं हो सकता है। फिर बाद में वापस दे यूज किया है, ठीक है, दे ऑफन, सेकंड में भी दे है, थर्ड में भी क्या यूज किया है, देम, नन ऑफ देम आर वेनमस। अच्छा इधर एक देम के साथ एक वर्ड यूज किया है, देम आर, मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूं इधर, नन ऑफ देम आर वेनमस। अभी ये जो वेनमस वर्ड है उसका मतलब क्या होता है बोलो, वेनमस वर्ड का मतलब क्या होता है? जहरीले, सॉरी सुनाई नहीं दिया, सॉरी जहरीले नहीं है, वेनमस का मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला, हाँ ठीक है, वेनमस का मतलब होता है पॉइजनस। तो अगर ये सेंटेंस ऐसा है, नन ऑफ देम आर पॉइजनस, तो ये जो देम यूज किया है ना किसके लिए यूज किया गया रहेगा, नन ऑफ देम आर पॉइजनस, तो ये किसके लिए यूज किया गया रहेगा? पॉइजनस क्या होता है? स्नेक्स, स्नेक्स होता है ना, तो दैट मीन्स ये जो देम है ना वो डेफिनेटली किसके लिए यूज किया है, स्नेक्स के लिए यूज किया है। इधर तक सब लोग को समझ में आया ये अरेंजमेंट, सब लोग को समझ में आया, कुछ डाउट्स है इधर तक? आगे प्रोसीड करूं मैं? ओके, तो ये जो अभी मुझे ये वेनमस वर्ड की वजह समझ में आया, जो देम है वो स्नेक्स के लिए यूज किया, ठीक है। तो स्नेक्स का मेंशन कौन से सेंटेंस में किया गया है? सी में, सी में मेंशन किया, ठीक है। तो बी में देखो, ये बी है, इसमें ये देम यूज किया और सी में स्नेक्स के बारे में ही बोला गया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों का कनेक्शन मिल गया, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पैर फॉर्मेशन, मुझे पैर फॉर्म करना है, चारों एक साथ अरेंज कर रहे नहीं होते, तो मुझे एक पैर मिल गया, ये वाला बी और सी में, क्योंकि बी में देम यूज किया गया और सी में स्नेक्स यूज किया गया है, ठीक है। तो ये अभी कॉम्बिनेशन मुझे बोलो क्या होगा, बी सी होगा या सी बी होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बराबर बैठेगा? सी बी, यस करेक्ट, गर्ल सी बी आएगा ना? यस सर, यस, व्हाई, बिकॉज़ पेरेंट्स, या सबसे पहले नाउन आता है, अभी हम लोग ने देखा पहले नाउन आता है बाद में वो प्रोनाउन आता है, तो इसलिए मेरा कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, सीबी, तो सीबी का एक पेयर मिल गया। अभी मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, मुझे अभी खाली ढूंढना है ऑप्शन में कोई सीबी है क्या, देखो ऑप्शन में कोई सीबी है, सेकंड वन, यस सेकंड वन में सीबी है, इधर है लेकिन बीसी है, तो ये डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा, इधर तो सीबी है ही नहीं, दूर दूर है, इधर भी सीबी नहीं है, तो डेफिनेटली ये मुझे पेयर मिल गया। तो मैं अभी पूरा चारों सेंटेंस अरेंज करते नहीं बैठूंगा, मेरा काम हो गया, मेरा काम था पहला प्रोनाउन ढूंढना, प्रोनाउन ढूंढने के बाद मुझे ढूंढना था पैर, तो मैंने पहले प्रोनाउन ढूंढा, किधर गया मेरा पैर, ये मिला, तो इसके साथ मुझे स्नेक का पैर मिल गया, तो मुझे एक पैर मिल गया सीबी, मेरा काम उधर ही हो गया। मैं अभी सीबी खाली ऑप्शन में ढूंढूंगा, एक ही ऑप्शन में सीबी है, तो डेफिनेटली ये वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन है, तो मुझे आगे का पार्ट करना जरूरी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं होगा मेरे पास एग्जाम में। सब लोग को समझ में आया ये कैसे करते हैं?
थोड़ा आइडिया आ गया सर? पैराज नंबर में वो फर्स्ट कौन सा आएगा, पहले सेकंड कौन सा आएगा, वो वैसे पूछते ना वो सेंटेंस। हाँ, वो बैंक वो थोड़ा बैंकिंग लेवल में आता है, वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये आपका इनिशियल स्टेजेस है ना, उस पे डायरेक्ट जाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा, तो एक एक स्टेप हम लोग करेंगे, ठीक है? हाँ ओके। बट सर इसमें जो डी है वो बोला है, दिस कैफे बोला है ना सर, डी में सॉरी कैफे व्हिच डी का, डी का जो स्टेटमेंट है उसका स्टार्टिंग है दिस कैफे, तो दिस में कौन सा डिफाइन नहीं है ना, दिस के उधर डिफाइन उसमें डिफाइन किया है ना, दिस कैफे व्हिच हैज जस्ट ओपन, उसके आगे आगे भी लिखा है ना कौन सा वाला कैफे, विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो लिखा है ना, उसके आगे स्पेसिफाई किया है ना, अब दिस कैफे है, लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है विच हैज